Hello friends, welcome back to Car Energy with one more video of Tata Nexon BSX. One more Nexon BSX installed at its perfect best. I'll just give a small workaround. जो kit लगाया हमने Motors and BSX, just see, this is the filling valve, यहाँ से gas fill हो रही है, directly cylinder पे जा रहा है. ये आपका reducer है, double stage का, पीछे से जो भी gas आ रहा, high pressure पे आ रहा है. देखो, it is all matter of the fitting and the placement of the parts. और जो एक्स्ट्रा एक्सेसरीज लगता है वो लगना चाहिए जिससे नेक्सॉन कामयाब होता है. ये फ़िल्टर है ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाए. और ये पीछे आपका मैनिफोल्ड एब्सोल्यूट सेंसर, मैप सेंसर जिसको बोलते हैं, और ये इंजेक्टर प्लेस्ड है. अब इसके अंदर आपका ECU ये यहाँ पे प्लेस्ड है, 32 पिन का, जो मोटोजेन के अंदर अप्रूव्ड है. अब इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो काम किया हो वो मायने रखता है नेक्सॉन को कामयाब करने के लिए. हमारे जितने भी नेक्सॉन भाई बंधु, जितने भी नेक्सॉन चला रहे हैं, इन सबको पता है कि भाई गाड़ी के अंदर कोई लैग नहीं है, कोई जर्क नहीं है, और गाड़ी चलने में बिल्कुल पेट्रोल, जस्ट बिकॉज ऑफ द डायनेमिक एडवांसर. ये 3 सेंसर पे काम करता है, सॉफ्टवेयर बेस्ड एडवांसर है, और गाड़ी के अंदर वही मज़ा है जो पेट्रोल पे. विदाउट एनी कॉम्प्रोमाइज यू आर गोइंग टू सेव मनी एंड द रन विल बी एज सेम एज पेट्रोल एंड इवन बेटर देन पेट्रोल. इसके अंदर जो हमने इंजन में बिना होल किए आपका गैस इनलेट दिया, विदाउट पुटिंग एनी होल इन द मैनिफोल्ड, और गैस वहीं से जा रहा है जहाँ से पेट्रोल, जस्ट सी द क्वालिटी. तीसरा काम किया हमने, इंजेक्टर्स में कोई वायर कट नहीं किया है, सारा सॉकेट टू सॉकेट, कपलर टू कपलर वायरिंग किया. चौथा काम किया हमने, इसके अंदर हमने कूलेंट कनेक्शन दिया मैंने, जो मेरा क्वालिटी है. ये सारा, ये दोनों पाइप यहाँ पे आ रहा है आपके रिड्यूसर पे, ये आपके दोनों पाइप ये रिड्यूसर पे आ रहा है. और पांचवा जो काम किया हमने, गैस का फिल्टर लगाया ताकि सारी इम्प्योरिटीज़ फ़िल्टर होके जाए. और छठा जो काम किया हमने, आपके ECM से और आपके डायनेमिक एडवांसर से ये जो वायरिंग जा रहा है, सारा एक स्पायरल ट्यूबिंग में जा रहा है, प्रॉपर स्लीव्ड अंदर होके जा रहा है बिल्कुल. और सेम आपके डायनेमिक एडवांसर से भी ये सारा एक स्पायरल ट्यूबिंग में है, ताकि पूरे लाइफ ये तारों को कोई दिक्कत ना हो. सेम वैसे ही हमने वायरिंग किया है जैसे टाटा ने वायरिंग दे रखा है. एंड सी द ओवरव्यू ऑफ द फिटिंग ऑफ द टाटा नेक्सॉन, अ सुपर इंस्टॉलेशन डन वंस अगेन. दिस शोज द परसिवियरेंस एंड द कंसिस्टेंसी व्हाट कार एनर्जी इज गिविंग अगेन एंड अगेन टू ईच एंड एवरी व्हीकल. मज़ा आएगा सर को गाड़ी चला के. इस भाई की भी जो है एक बार सेटिंग करके ट्रायल लेंगे, एंड बिलीव मी इनको भी वही सरप्राइजिंग, मतलब कि यार ये तो गाड़ी पेट्रोल से भी बढ़िया चल रहा है. आइए, इसके अंदर एक और काम किया हूँ मैं, दिखाता हूँ. इसके अंदर जो मारुति में जो कंपनी फिटेड में जो आता है मेड इन जर्मनी, सेम वही वाल्व लगाया. इस वाल्व का अगर क्रेडिबिलिटी आपने जाना है, गूगल में जाओ, उसमें टाइप करो www.weh.com, आपको इस वाल्व के बारे में पता लग जाएगा. ये सेम वही वाल्व है जो मारुति में कंपनी फिटेड में आता है. नॉर्मली चाइनीज़ वाल्व लगाएंगे वो ज़्यादा टाइम चलता नहीं है, वो 2-4-6 महीने में लीक आउट हो जाएगा, लेकिन ये वाल्व बहुत अच्छे टाइम तक चलेगा विदाउट एनी प्रॉब्लम. इसके अंदर जो सिलेंडर लगाया हमने, 12 kg का सिलेंडर लगाया, अभी फिटिंग हो रहा है. मैं आपको स्टैंड का क्वालिटी दिखाता हूँ, आप ध्यान देना. यहाँ पे जो है हमने ब्रॉडर शीट में आपका स्टैंड लगाया. बहुत लोग कहते हैं कि भैया सिलेंडर का वजन इतना है, कहीं बॉडी क्रैक तो नहीं हो जाएगा? तो इसके अंदर ब्रॉडर शीट देने का मेरा मेन रीज़न है कि आपके राइट साइड से बॉडी क्रैक होता है, तो कभी भी ऐसे जो है ना बॉडी क्रैक नहीं होगा. जो स्टैंड है हमारा मोल्डेड पाइप स्टैंड है. आपका जो नट बोल्ट है TVS नायलॉन लॉक नट बोल्ट है. नॉर्मली क्या है, किलो के भाव जो नट बोल्ट होता है वो 2-4-6 में लूज़ हो जाता है. ये आपका पूरा लाइफ कहीं नहीं जाएगा. और जो स्टैंड है रबर ग्रिप के साथ है, और इसके अंदर अभी फिटिंग हो रहा है. इसकी जो है डक्ट वगैरह सारा कुछ फिट होगा, तो एक बार फिटिंग हो जाने दो, उसके बाद चलते हैं CNG पंप, CNG डलवाएंगे, इसमें सेटिंग करेंगे और ट्रायल लेंगे, और देखते हैं गाड़ी कैसी चलती है. सो दिस इज टाटा नेक्सॉन BSX. भाई हज़ारों नेक्सॉन लगा चुका हूँ मैं, और 100% रिजल्ट है. सारे के सारे जितने भी नेक्सॉन में लगाया हूँ सभी भाई खुश हैं. अब इन भाई की भी गाड़ी में लगाया हूँ मैं, और जो लगना चाहिए जो लगाता हूँ सब कुछ लगाया मैंने.
एक बार भैया से पूछता हूँ कैसी फिटिंग रही है और गाड़ी कैसी चल रही है। भैया गाड़ी की फिटिंग बहुत बढ़िया दी है, जैसे कि ऐसा लगता ही नहीं कि ये बाहर से लगी हुई है, कंपनी फिट फिटिंग लगती है बिल्कुल। और दूसरा बाकी सीएनजी पे लगता ही नहीं कि सीएनजी पे चल रही है, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है, मतलब बढ़िया। आपने तीनों मोड पे चेक किया? आई एम वेरी इंप्रेस्ड। और आपने खड़ी गाड़ी में सेकंड गियर में भी उठा के चेक किया? बिल्कुल बिल्कुल, सेकंड गियर में उठा के देख चेक किया और सही चल रही है गाड़ी के अंदर, मतलब कहीं भी किसी भी स्पीड में कोई मिसबिहेव नहीं है? नहीं, कोई मिसबिहेव नहीं, कोई गियर में नहीं, कोई गियर नहीं। और जब गाड़ी उठाते हैं बिना वाइब्रेशन, बिना लैग, बिना जर्क गाड़ी, बिना जर्क के? हाँ बिल्कुल। अगर किसी भाई को चाबी दे दो और उसको ना बताओ कि सीएनजी लगी है, नहीं पहचान पाएगा, चैलेंज है। बिल्कुल बिल्कुल, यू आर राइट, नहीं बता पाएगा, सीरियसली सही कह रहे हो। सो दिस इज टाटा नेक्सॉन, रियली माय पीपल, माय जान लगा देता हूँ, मतलब कि जो इसके अंदर लगना चाहिए वो सब लगा के देता हूँ मैं, कहीं कोई कंजूसी नहीं, क्योंकि नाम सबसे बड़ा है। चलो इस तरह का वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।